क्लास में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, टेस्ट सीरीज आपका अलग से चल रहा है, जिसमें आप एग्जाम दे करके पता कर रहे होंगे कि आपकी स्कोर कितनी हो रही है। उसके अलावा व्याख्या सहित एक अलग से प्रैक्टिस सेट आपको बताया जा रहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो परीक्षा होगी उसमें ये सारे क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का क्लास शुरुआत कर लेते हैं और आपकी ये स्कोर क्या होती है ये भी आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतते थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो वो किस लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे थे और आप इसमें आंसर करेंगे सूरत, फूलपुर, रायबरेली और इलाहाबाद। इसमें से कौन सा जो संसदीय सीट था जहां से जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो थे रेगुलरली ही वॉन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सूरत, फूलपुर, रायबरेली, इलाहाबाद। तो आपका उत्तर आए, साथ में व्याख्या भी बता रहे हैं आपको, ताकि आप दोनों चीज का लाभ लीजिए, उत्तर भी दीजिए और व्याख्या भी देखिए, ताकि व्याख्या से ज्यादा प्रश्न जो दूसरा एग्जाम होगा आपका उसमें आएगा निश्चित रूप से। तो इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोगों में से कोई उत्तर कर पाएंगे? आपके पास दो क्वेश्चन इस समय में स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा है कि केरल में फोर्ट एंजेलो का निर्माण किस देश के द्वारा 1505 में किया गया था। तो क्लू भी है क्वेश्चन में, आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है पोर्तुगीज, इंग्लिश, फ्रांस एंड हॉलैंड। केरल में फोर्ट एंजेलो का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया था। पहला क्वेश्चन जो था वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर पूछा गया है और दूसरा विच कंट्री मेड फोर्ट एंजेलो इन द ईयर 1505 इन केरला, कौन सा देश ने इसका निर्माण किया था। तो दो प्रश्न आपके पास है, तो चलिए पहला का उत्तर बता देते हैं आपको। पहला का उत्तर होगा फूलपुर, पहला उत्तर है फूलपुर। तो आपको रायबरेली नहीं लिखना है, रायबरेली से जवाहरलाल नेहरू कभी चुनाव नहीं लड़े थे और फूलपुर इलाहाबाद के पास एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी था, फूलपुर का लोकसभा चुनाव क्षेत्र। तो सही उत्तर जो होगा फूलपुर होगा, रायबरेली नहीं होगा। तो आप को इसलिए ही ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जहां पर आपका कंफ्यूजन हो और इस क्वेश्चन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करना चाहेंगे। अगर आप देखें तो 1952 से 57 तक जो था ये प्रधानमंत्री थे, उसके बाद तीसरी बार 57 से 62 तक भी रहे और चौथी बार प्रधानमंत्री तीसरे आम चुनाव जो 1962 के बाद हुआ था उसमें भी इनको बनने का मौका मिला था। तो इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई, 27 मई 1964 को हो गई थी। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1964 तक कंसिक्वेंटली जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला था। आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार बना था 1946 ईस्वी में, 1946 में, उस अंतरिम गवर्नमेंट में भी इनको ही मौका दिया गया था प्रधानमंत्री बनने का। तो पहला वो था 1952 के इलेक्शन में, फिर ये बन गए 57 में बन गए, और उसके बाद जब 62 का भी इलेक्शन हुआ था जब इनकी मृत्यु के पहले, जब 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी उसके पहले भी ये चुनाव जीते थे। और तीनों बार लगातार चुनाव ये फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और आपको पता होगा कि अगर आप देखेंगे कि विपक्षी कोई अगर व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बने हैं तो मोरारजी देसाई जो थे वो विपक्ष के थे और बाद में सूरत से वो चुनाव जीते थे। ये भी एक अलग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बन रहा है कि मोरारजी देसाई जो विपक्षी नेता के रूप में पहले प्रधानमंत्री बने वो कब बने। तो उसमें सही उत्तर होगा सूरत। सूरत आप जानते होंगे गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे है, तो सूरत को टिक करेंगे उस कंडीशन पर। और 24 मार्च 1977 को ये प्रधानमंत्री बने थे 1977 में,
मुरारजी देसाई। क्वेश्चन हालांकि आपसे पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू के लिए, लेकिन और लाइब्रेरी तो परंपरागत सीट है कांग्रेस का उसके बाद के काल में, लेकिन अब ये सीट पर दूसरी पार्टी का कब्जा हो गया है और जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं वो दक्षिण भारत के केरल से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इलाहाबाद के बगल में ही फूलपुर जो है वो है, तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के लिए हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनाए होंगे आप, और इस बीच में दूसरा क्वेश्चन भी है जो आप कोशिश करें आंसर देने का। सेकेंड क्वेश्चन को पूरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। केरल में फोर्ट जॉर्ज, केरल में फोर्ट एंजेलो का निर्माण किस देश के द्वारा कराया गया था? केरल जहां पर मलाबार तट है, इसी मलाबार तट में फोर्ट एंजेलो का निर्माण हुआ था 1505 में। तो मतलब यू कैन रिकॉग्नाइज द आंसर कि कौन सा देश हो सकता है। केरल में फोर्ट एंजेलो में किस देश के द्वारा 1505 में निर्माण किया गया? उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी दे। पुर्तगाली, तो सही उत्तर है पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाल के द्वारा किया गया था ये फोर्ट एंजेलो का निर्माण 1505 में, और इसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे ये पोर्तुगीज गवर्नर थे। अच्छा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जल्दी से बताइए? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने ये बनाया था? जल्दी से आंसर करें। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया? कोई जानते हैं? डुप्लेक्स जो थे ये हमें लगता है कि पोर्तुगीज नहीं थे। ये फ्रांसीसी थे। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर भारत में कौन था? हालांकि इसका उत्तर केरल में फोर्ट हु बिल्डअप फोर्ट एंजेलो इन केरला इन 1505, द राइट आंसर इज पोर्तुगीज। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया? एंड द राइट आंसर इज अल्मेडा। याद रखिएगा अल्मेडा, और अल्मेडा ही बनाया था इसको, हम यहां लिख दे रहे हैं। और क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ उसका आंसर नहीं जानना, उसके इर्द गिर्द की भी चीजें जाननी है, तो आपका पूरा सिलेबस भी प्रैक्टिस सेट का ही महत्व होता है कि आप पूरी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं करें। तो इसका सही उत्तर होगा पोर्तुगीज ने किया था। और अगर ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कौन सा किला बनाया था भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत आ गया था, पहला किला का निर्माण, फर्स्ट फोर्ट का निर्माण उसने कौन सा किया था? जल्दी से कोई आंसर कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किला कौन सा था? फर्स्ट फोर्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा था? 1644 में बनाया था। जल्दी से कोई आंसर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किला कौन सा था भारत में? एंड द राइट आंसर इज फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये चेन्नई में था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ये सही उत्तर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम नहीं होगा, फोर्ट विलियम नहीं, फोर्ट विलियम अलग है, इसका नाम है। चेन्नई में बनाया गया था पहला किला अंग्रेजों का। ये भी एक अलग देखिए अलग जीके का क्वेश्चन हो गया कि पहला किला, फर्स्ट जो फोर्ट है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1644 ईस्वी में, तो ये भी जानिएगा जरूर। इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नॉट ओनली जेपीएससी, आप अगर भविष्य में बीपीएससी आईएएस भी लिखते हैं यू विल गेट द एग्जाम।
इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका आपको बदल देना है तो आप परीक्षा पे पास आसानी से करेंगे। तरीका ये होना चाहिए, फोर्ट विलियम आपने आंसर किया था, फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में बनाया गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था 1700 ईस्वी में और इसका निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, फोर्ट विलियम का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स अय्यर। चार्ल्स अय्यर इसका निर्माण, अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम का निर्माण 1700 ईस्वी में हुआ था, चार्ल्स अय्यर लिखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो परीक्षा आसानी से आप निकालेंगे। और एक और फोर्ट था 1700 ईस्वी में ही बनाया गया था, फोर्ट सेंट डेविस, ये मराठा 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। फोर्ट सेंट डेविस एक और फोर्ट था, ये मराठे की संपत्ति थी जिसको अंग्रेजों को 1690 में मराठों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी संपत्ति बेच दी थी, फोर्ट सेंट डेविस। तो ये था क्वेश्चन। और चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चले जाते हैं, आप बाद में भी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे अगर छूट जा रहा है तो। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले ब्रिटिश सरकार ने कुशासन का आरोप लगाकर किस एक प्रांत को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को देना चाहिए, इसका उत्तर जरूर से देना चाहिए आप लोगों को। 1857 के सिपाही विद्रोह में इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैल गवर्नमेंट विच प्रोविंस एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स, सतारा नागपुर झांसी अवध। बहुत से लोगों ने जल्दी से आंसर किया है अवध। बहुत से लोगों ने जल्दी से आंसर कर दिया अवध। और बाकी लोग भी कुछ आंसर देना चाहते हैं, और सही उत्तर इसका होगा अवध। तो सही किया आप लोगों ने, अवध आंसर सही है। कब मिलाया था कोई बताइए, अवध को डलहौजी ने कब मिलाया था, अवध को इन विच ईयर। ये सारे इंपोर्टेंट है, सतारा नागपुर झांसी अवध सारे इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से हमें लगता है कि आपको आंसर देना चाहिए इसका कि किस वर्ष इसको मिला लिया गया था। 1856 सही, अवध को, और अवध को ही, अवध में वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया था। ही वॉज डिपोर्टेड टू कलकत्ता, और उनकी जो बेगम थी हजरत महल उनको हटा दिया गया था। एक क्वेश्चन हमें और याद आ गया यहाँ पर, हु वॉज द यंगेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, इसी से जुड़ा हुआ है, अवध से ही जुड़ा हुआ है, अवध से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली का सबसे कम उम्र का सुल्तान कौन था, एंड द आंसर इज ब्रजेश कादिर। यस, बहुत अच्छा आंसर उन्होंने दिया है, शिवशंकर राम ने लगातार 3 आंसर रेगुलर है। ब्रजेश कादिर सिर्फ हमें लगता है कि 2.5 साल की उम्र में उनको राजा घोषित कर दिया गया था, ये समझ करके कि डलहौजी ने जो अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी लाई है कि अडॉप्टेड सन को नहीं लेंगे तो उसमें अवध को छू नहीं पाएगा, लेकिन डलहौजी ने अवध को छीनने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि अगर आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है, संगठन बन रहा है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो उस राज्य को मिला लिया जाएगा। सो द आंसर इज ब्रजेश कादर। ये जरूर से लिखिएगा, ब्रजेश कादर। और जैसा आप जानते हैं कि पहला राज 1848 में मिलाया था सतारा को, और सबसे लास्ट में नागपुर को मिलाया था 1854 में। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है,
जो डलहौजी की हड़प नीति थी। अच्छा, हु वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 10th of May 1857, जब सिपाही विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को, तो भारत का कौन था वाइसराय अथवा गवर्नर जनरल उस समय में? इसका आंसर तो दे दीजिएगा, जल्दी से दीजिए। अठारह में तो सतारा को मिला लिया था, 1853 में झांसी को मिलाया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी को 1853 में मिला लिया था झांसी। एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड केनिंग, सही है, लॉर्ड केनिंग सही उत्तर होगा, लॉर्ड केनिंग थे। तो 1849 में संबलपुर को मिलाया था, ये भी लिख लेंगे, 1849 में संबलपुर जो उड़ीसा में, संबलपुर इसे मिला लिया गया था, और इसके बाद झांसी को मिलाया, उसके बाद बाघट भी एक जगह है, बाघट 1850 में बाघट को मिला लिया था, 1850 में बाघट, ये पंजाब में पड़ता है बाघट, और 1850-51 में उदयपुर और जैतपुर को मिलाया था। तो ये ऐसे प्रांत थे जिसको डलहौजी ने मिला लिया था। इसी प्रकार से डलहौजी ने कई नई नीति लाया था भारत में, बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन उसके साथ कुछ कंट्रोवर्शियल काम किया था। तो इसका उत्तर तो होगा अवध, जिसको कुशासन के आरोप में मिलाया गया। अगली क्वेश्चन की ओर में मूव कर जाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में किस एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जो एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमेरिज के लिए जाने जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए दबाव डालने वाले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1858 में उन्होंने किस एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जो एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका था? इज दैट बंगाली, इज दैट सोम प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश और संवाद कौमुदी? सही उत्तर क्या होगा? किस एक पत्रिका का शुरुआत, किस एक पत्रिका का शुरुआत जो था वो किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही उत्तर जिन्होंने दिया है वह होगा सोम प्रकाश। बंगाली पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका थी। सत्यार्थ प्रकाश आप जानते होंगे, दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक। सत्यार्थ प्रकाश जहां से स्वराज का कॉन्सेप्ट लिया गया है, फर्स्ट टाइम द वर्ड स्वराज मेंशन्ड इन सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती का। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी, संवाद कौमुदी। तो इसका सही उत्तर सोम प्रकाश होगा, जिसका शुरुआत किया था और एक बंगला भाषा में था ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है। और जैसा आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में तुलफतुल मुहाबिद्दीन करके एक पत्रिका निकाला था, और बाद में संवाद कौमुदी 1819 में उन्होंने शुरू किया था, मिरातुल अखबार भी निकाला था। तो इस प्रकार की कई पत्रिका राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय पहले आधुनिक भारतीय थे जो विदेश गए थे अकबर शाह द्वितीय का पेंशन का बात करने के लिए, और उसी समय में उनको राजा का टाइटल अकबर शाह द्वितीय ने दिया था, राजा राम मोहन राय। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी को सत्याग्रह शब्द प्रथम भेजने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह शब्द दिया था?
बाद में गांधी जी ने इसमें या जोड़कर इसे सत्याग्रह कर दिया। Who was the first person who gave the name of सत्याग्रह to गांधी जी? एकदम नया क्वेश्चन आपके लिए, गांधी जी को सत्याग्रह शब्द भेजने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह शब्द दिया था और बाद में गांधी जी ने इसमें यह जोड़कर इसे सत्याग्रह बना दिया। एंड ऑप्शंस आर मदनलाल गांधी, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को सत्याग्रह शब्द प्रथम भेजने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सत्याग्रह शब्द गांधी जी को दिया था? अब आपके दिमाग में जो ऑप्शन आ रहा होगा वो तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट अपने जीवन में लियो टॉल्स्टॉय, इमर्सन और थॉरो से लिया था। उनसे उन्होंने सीखा था कि अपने जीवन में संघर्ष के साथ, ट्रूथ के साथ, नॉन वायलेंस के साथ आंदोलन करना है। तो ये आंदोलन लियो टॉल्स्टॉय, इमर्सन और थॉरो, ये तीन लोगों से संकल्पना लेकर के उसने असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन था, और सत्याग्रह भी शुरुआत किया था उनकी पुस्तकों को पढ़ करके। लेकिन यहां क्वेश्चन एकदम चेंज है कि गांधी जी को पहली बार ये शब्द लिख करके किसने भेजा था? Who was the first person who gave the word सत्याग्रह to गांधी जी? And it was basically the word सदाग्रह, and later on Gandhi ji added your word to the सदाग्रह and it becomes सत्याग्रह। कोई कोई गैस कर सकते हैं आप लोग? और अधिकांश लोगों का गैस आ रहा है डी के लिए, डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसलिए आ रहा है कि सबसे चर्चित नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है। गांधी जी को महात्मा बोलने वाले व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। महादेव देसाई, उत्तर एक और आया है, महादेव देसाई। ये दोनों में से कौन सा होगा? इज दैट महादेव देसाई और राजकुमार शुक्ल और रविन्द्रनाथ टैगोर और मदनलाल गांधी? एंड द राइट आंसर इज मदनलाल गांधी। ही वॉज द पर्सन हु गेव फर्स्ट वर्ड सत्याग्रह टू गांधी जी, मदनलाल गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मदनलाल गांधी ने पहली बार ये शब्द दिया। और प्रेरणा गांधी जी को ऐसे तो हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस एक आर्टिकल छपा था थोरो का, उस आर्टिकल का नाम ही था सिविल डिसओबीडियंस। और उसी पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी के मन में आया था कि वो भारत में कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ के लोगों को उत्पीड़न से समाप्त हो जाए। लेकिन गांधी जी को अन्याय के खिलाफ इस आंदोलन को करने के लिए मदनलाल गांधी ने यह शब्द लिख करके दिया था और कहा था कि आप इस प्रकार से सत्याग्रह शुरू करें। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह में या जोड़ते हुए इसे सत्याग्रह का नाम दे दिया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप जैसा जानते हैं कि गांधी जी फाइनली 1915 में फाइनली भारत आ गए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बताया, पॉलिटिकल गुरु बताया, और भारत में रहने लगे। जब 1916 में लखनऊ समझौता हो रहा था नरम दल, गरम दल, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो वहां पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप आइए और जो बिहार में चंपारण में तिनकठिया सिस्टम है, जिसमें 1/3 भाग में जमीन में नील की खेती करनी है, नील की खेती करने से जमीन अनुपजाऊ मतलब अनफर्टाइल हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। गांधी इसका विरोध करने के लिए चंपारण चले गए और ये उनका भारत में पहला आंदोलन भी था, चंपारण सत्याग्रह, जिसका नाम सुनते हैं यहाँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि चंपारण सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत कर ली। और इसके बाद
जितने भी लोग थे उस समय में, ब्रज किशोर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सारे लोग वहां चले गए और अंत में समझौता हुआ कि 25% वसूली गई राशि बगान के जितने मालिक थे, दे विल रिटर्न टू द पीजेंट्स एंड द फार्मर, वो लौटा देंगे। इसलिए गांधी जी का यह आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि खेड़ा में आंदोलन किया था गांधी जी ने, और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया, लगातार ये तीन आंदोलन किया। लेकिन गांधी जी राजनीति में कब आए, जब रॉलेट एक्ट आया, ये भी ये सारी चीज को जानिए। रॉलेट एक्ट जैसे ही आया, गांधी जी ने पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया फरवरी 1919 में, सत्याग्रह सभा बॉम्बे, और फिर वो राजनीति में आ गए। और फिर आप जानते हैं कि खिलाफत कमेटी का ऑल इंडिया अध्यक्ष बन गए, नॉन कॉपरेशन शुरुआत किया, और फिर गांधी जी के हाथ में सारी चीज आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था, और ये पोचमपल्ली से किया था। विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से किया था भूदान आंदोलन का शुरुआत। पोचमपल्ली वर्तमान में किस राज्य में है? 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत पहली बार पोचमपल्ली से किया था। क्वेश्चन यह है कि पोचमपल्ली किस एक राज्य में स्थित है, पोचमपल्ली, और बहुत जल्दी से उत्तर दिया है उन्होंने, बी तेलंगाना। और कोई जिसका उत्तर देना चाहते हैं पोचमपल्ली? पोचमपल्ली कहाँ है, कोई जो देना चाहे? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे ने ये शुरुआत किया था, जिसमें गांव का जमींदार रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ जमीन 40 हरिजन परिवार को बांट दिया था। 1957 तक यह आंदोलन चला था 1951 से, और वर्तमान में पोचमपल्ली तेलंगाना में। तो ये सही उत्तर था, वर्तमान में पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली ये वर्तमान में तेलंगाना में है। 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे 51 से लेकर के 57 तक इन्होंने आंदोलन चलाया था, 1951 से 57 तक, और लगभग 50 मिलियन एकड़ भूमि इस आंदोलन के बाद 50 मिलियन एकड़ जमीन, इतनी जमीन जो था वो जमींदारों ने अपने क्षेत्र में, जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें दिया था, इतनी बड़ी तादाद में, और ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट थी। विनोबा भावे का पवनार आश्रम महाराष्ट्र में काफी फेमस है, पवनार आश्रम, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो विनोबा भावे के बाद क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासन काल में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यकाल अवधि में प्रतिदिन 9 घंटा और महीने में 4 दिन की छुट्टी दिया गया, ये किस के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, जब फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, फैक्ट्री एक्ट भी पारित हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में ये निर्णय लिया गया कि भारत में
किसके काल में? लॉर्ड, सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, सही है लॉर्ड रिपन, सही उत्तर है आप लोगों का लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इनको माना जाता है कि भारत के लिए काम कर रहे थे, फैक्ट्री में काम करने वाली महिला और बाकी लोगों के लिए भी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और उसमें ये सुविधाएं दी गई थी कि जो बच्चे काम करते हैं फैक्ट्री में उनको नहीं लगाया जाए, ये पनिशेबल क्राइम बना दिया था। तो और लॉर्ड मायो जो है जब स्थानीय शासन का वास्तविक बोला जाएगा, तो लॉर्ड मायो ने स्थानीय शासन की शुरुआत की थी और इसको भी एक एक संस्थागत और रियलिटी में एक सिस्टम में लाने का श्रेय भी लॉर्ड रिपन को जाता है। तो लॉर्ड रिपन इस मायने में भी इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग संबलपुर, आंसर ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा और ऊंचा कर दे क्वेश्चन को, अभी दिख रहे होंगे। संबलपुर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, नागपुर महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हजीरा गुजरात से लेकर धुले महाराष्ट्र तक जाता है और झारखंड को भी टच करता है। नेशनल हाईवे 4, 5, 6 और 7, कौन सा एक नेशनल हाईवे जो है वो झारखंड को टच करते हुए संबलपुर यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात को भी टच करता है, ये कौन सा एक नेशनल हाईवे, मैंने क्वेश्चन कहां कहां से परीक्षा में आ सकते हैं आपको एक आइडिया भी मिल रहा है इससे। तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे सही उत्तर इसमें क्या होगा, नेशनल हाईवे 6, सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 6, ये जरूर से जानेंगे। ये लगभग 1949 किलोमीटर लंबी है ये, और इतने राज्यों से होकर के गुजरती है ये जो है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है, 4 पहला ऑप्शन, ये भी लंबी ही है, ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और ठाणे मुंबई से लेकर तमिलनाडु तक, ये मुंबई में ठाणे से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1156 किलोमीटर, 1200 इसलिए हमने बोला, नेशनल हाईवे 4 जो है वो, और महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी टच करता है तमिलनाडु, 3 राज्यों में। 5 जो है वो तमिलनाडु से झारखंड तक आता है ये वाला, तो ये आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक है, ये 1450 किलोमीटर लंबा है, ये बहरागोड़ा को क्रॉस करता है झारखंड में, नेशनल हाईवे 5 बहरागोड़ा को क्रॉस करता है आप जानते होंगे, और 7वां जो है ये 2369 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 7, ये वाराणसी से शुरू होता है ये उत्तर प्रदेश में और कन्याकुमारी तक जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए। तो आप थोड़ा सा देख लेंगे नेशनल हाईवे
यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। एक मॉडल आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चंस पर तो बहुत ज्यादा व्याख्या करते करते बहुत समय लगेगा, तो आप को एक आइडिया देते जा रहे ताकि आप जो घर में पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए। मध्य प्रदेश का बजगावा कौन सा एक खनिज भंडार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का मझगवा इलाका, मझगवा ऑफ एमपी इज फेमस फॉर विच मिनरल? डायमंड, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर। मध्य प्रदेश का मझगवा क्षेत्र किस मिनरल के लिए जाना जाता है? कोई आइडिया है किसी को? मझगवा, मझगवा इलाका मध्य प्रदेश का किस मिनरल के लिए जाना जाता है? टी, डी यानी कि सिल्वर के। और कोई आइडिया किसी को मिल रहा है मझगवा का इलाका कौन सा इलाका मझगवा में है? और ये मझगवा जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब थोड़ा सा आइडिया आपको आना चाहिए। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है डायमंड के लिए, सो द राइट आंसर इज डायमंड। ये डायमंड के लिए, और डायमंड जो है वो किम्बरलाइट से निकाला जाता है डायमंड, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। मैग्नीज मध्य प्रदेश में बालाघाट में मिलता है, बालाघाट। गोल्ड के लिए इंडिया में सबसे फेमस माइंस हट्टी है कर्नाटक में, हट्टी, हट्टी माइंस। और सिल्वर के लिए सबसे फेमस इंडिया में ज्वार माइंस राजस्थान का, तो एक एक माइंस भी अगर आप जानते हैं तो काफी अच्छा होगा। डायमंड ऐसे तो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा डायमंड काफी फेमस है। उसके अलावा जो मैग्नीज का इलाका है वो बालाघाट का एरिया है, गोल्ड हट्टी माइंस ऑरिनाइट से निकाला जाता है गोल्ड, एल्जिनाइट से सिल्वर, जो ज्वार माइंस में पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या थी, और क्वेश्चन का व्याख्या तो जरूरी ही रहता है। आप डायरेक्ट कभी नहीं पढ़े, किसी का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हो घर में, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे तो नुकसानदेह हो जाता है, फायदा की जगह कोई कोई दवाई कभी घाटा करता है ना, उसी प्रकार से आपको घाटा करेगा। अगर आप सिंगल लाइन आंसर रटते हैं तो फिर आपकी तैयारी भगवान भरोसे चल रही है। लोग तो आजकल भारत में बोलते हैं कि भगवान भरोसे ही सब कुछ है, तो तैयारी भी भगवान भरोसे हो जाएगा। ऑलवेज एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड द गिवन ऑप्शंस, आप उसके बारे जरूर जानिए। कभी भी ऐसा मत पढ़ाई कीजिए कि आप क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बी सी डी करिए, तो कभी भी अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो ये जेपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए घोर आश्चर्य का विषय होगा कि एक एक लाइन पढ़ करके भी लोग पास कर सकते हैं, असंभव रहता है। हमेशा टाइम लगेगा, थोड़ी आपको मुश्किल होगी, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है कि एक क्वेश्चन के साथ उसके जो टेल दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको जानिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिमाग में आएगा, वो मेमोरी में आएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है वो मैगजीन किताब खरीद करके एक एक लाइन वाला रटते रहते हैं, बाद में पछताते हैं। बाद में नहीं पछताना, काम आपको ऐसा करना है कि थोड़ा देर सही, लेकिन आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे और क्वालिफाई जरूर से करेंगे। शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल किसकी सहायक नदी है? दामोदर महानदी, नर्मदा, यमुना। अब देखिए क्या ऑप्शन है, तो ये भी जानना है कौन नदी कहां से निकलती है, इसकी और क्या कोई सहायक नदी। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसके बारे में सिर्फ आंसर मिल गया उसमें टिक किया और रट लिए, नहीं, उससे तो मुश्किल आएगा आपको, आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिक्कत से बचाने के लिए तैयारी का सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है।
तो ये सारी नदी जो आप देख रहे हैं, ये नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर जल्दी से कोई दे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। दामोदर, ज्यादा लोगों ने दामोदर लिखा। शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल। सही उत्तर होगा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा रेंज से निकलती है, ये भी जानेंगे। सिहवा माउंटेन श्रेणी से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल शामिल है। सिहवा नदी, ये सही उत्तर होगा। और आप लोगों को कोशिश करना है कि हमारा उत्तर आने के पहले आपका उत्तर आए, हमारा उत्तर आने के बाद नहीं। हमारी उत्तर आ जाएगी उसके बाद आपको उत्तर देने से फायदा नहीं है। हमारा उत्तर आने के पहले आपको बताना है, जो हम मौका देते हैं। तो सही उत्तर महानदी होगा इसका। और दामोदर नदी जो है, ये आप जानते हैं कि झारखंड का छोटा नागपुर से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से, चंदवा गांव है जहां से दामोदर निकलती है। और किसी को कुछ करेक्शन करना हो तो बताइएगा, आप लोग ज्यादा झारखंड पढ़ रहे हैं। पलामू डिस्ट्रिक्ट के चंदवा गांव से दामोदर निकलती है और ये नदी हुगली में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दामोदर, दामोदर ड्रेन्स इनटू हुगली, ये हुगली में जाकर के दामोदर नदी मिल जाती है। डीवीसी 1948 में पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था, डीवीसी। ये लगभग 541 किलोमीटर लंबी है। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी है दामोदर। और इसमें, इसकी अगर सहायक नदी बोलेंगे तो कोनार है, जमुनिया है, बराकर है, दामोदर की सहायक नदी जो आप पढ़े होंगे जरूर से। और जो महानदी है ये 858 किलोमीटर लंबी है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। और ये नदी जो है ये फिर चली जाती है उड़ीसा में, जहां पर कई नदी इससे मिलती है। और ये खुद जो हीराकुंड बांध आप सुने होंगे, संबलपुर के नजदीक हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध के रूप में आप जरूर जानते होंगे। कटक के काफी पहले संबलपुर के पास महानदी पर है। और महानदी की सहायक नदी ये सारी नदी है। महानदी इंडिपेंडेंटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है और एक डेल्टा भी बनाती है महानदी, तो इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी आप जानते हैं कि अमरकंटक के पास से निकलती है नर्मदा, ये 1289 किलोमीटर लंबी है, 1289 किलोमीटर इसकी लेंथ है नर्मदा की। ये नदी रिफ्ट वैली से बहती है, ये भी आपको पता है कि विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन के बीच अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी पश्चिम की ओर जाती है, इसलिए ये भ्रस घाटी से बहती है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये पतली घाटी से बहती है नर्मदा नदी। जबलपुर इसी के किनारे है, नर्मदा के किनारे है जबलपुर। तो ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ये आपको जरूर से पता होगा। और इसमें हिरन, बरना, दुधी, तवा और शेर नदी आकर के मिलती है नर्मदा में। तवा नदी, तवा प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश में। दुधी नदी, शेर नदी, वरना नदी, ये सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य भारत में। और यमुना के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो यमुना नदी है ये नदी गंगा में आकर के मिल जाती है और ये मिलती है इलाहाबाद के पास में। साथ ही साथ यमुना में चंबल मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। यमुना गंगा में मिलती है और चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है नदी को लेकर के। और जब भी आप अगली बार इसी टेस्ट को फिर से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अभी देखिए एक नया प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से भी आजकल आता है।
दक्षिण भारतीय राज्य केरल कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है? मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस को रटना नहीं है, इससे जानकारी ये मिल रही है। आप एक मैप रखिए, रोज देखिए, उसमें केरल है, कल कल को पूछ सकता है तमिलनाडु, कल को पूछ सकता है तेलंगाना, झारखंड, ये वो। तो आप रटिए, मैं आप नक्शा देखते रहिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि केरल जो है कितने राज्य के साथ है। तो सिर्फ केरल ही परीक्षा में है, जरूरी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? भारत में क्या होगा सही उत्तर, कोई बताएं? एमपी, कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? इज दैट उत्तर प्रदेश आई थिंक। हमें तो लगता है कि यूपी है, आप काउंट करिए जल्दी से, यूपी है, आप घर में काउंट कीजिएगा क्लास के बाद। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है, एटलस लीजिएगा, काउंट कीजिएगा उसमें। तो केरल सिर्फ दो राज्य से सीमा रेखा बना रहा है, केरल केरल जो है ये दो राज्यों के साथ में सीमा रेखा बना रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। संघ शासित प्रदेश अगर देखेंगे तो उसमें माहे का एरिया भी आएगा, पुडुचेरी, लेकिन राज्य अगर बोलेंगे तो दो ही राज्य के साथ सीमा रेखा बनाता है केरल। और भी दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, आप अपने से कर लीजिएगा घर में। हमने तरीका बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन किसके साथ में टच कर रहा है। अभी भी आप लोगों का गलत हो रहा है, यूपी और कर्नाटक जो 7 बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का बढ़ेगा। आप एक बार फिर से काउंट करें यूपी का पूरी अच्छा से। आप भारत का अच्छा से नक्शा निकालिए, उत्तर भारत का मैप निकालिए किसी नक्शे पर, उसमें काउंट करिए, तब आपको पॉइंट नजर आएगा कि हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्लियरिटी आएगी थोड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप स्लिप अभयारण्य भारत के किस पर्वत श्रेणी पर है? टॉप स्लिप अभयारण्य, टॉप स्लिप, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन इससे जानकारी मिलता है कि मतलब एक देखिए, आप अगर नक्शा खोले हैं तो एक बार आपका काम है कि आप सारे अभयारण्य को देख लीजिए, कौन कहां पर है, किस एरिया में, कौन सा कहां पर है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। ये देखिएगा तभी फायदा करेगा आपको। और बहुत जल्दी से उत्तर उन्होंने दे दिया है, अन्ना मले का सही उत्तर है, टॉप स्लिप अन्ना मले, टॉप स्लिप जो है वो अन्ना मलई के ऊपर है, टॉप स्लिप अभ्यारण्य। तो आप एक बार भारत के नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीज को देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, और कल को दिक्कत नहीं हुआ आपको, और आप सारे क्वेश्चंस को बना पाइए। हमारी तो उम्मीद यही होगी कि आप सारे क्वेश्चंस को इस बार बना पाइएगा परीक्षा में, और जरूर से आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो ये जो टॉप स्लिप आपने लिखा, ये बेसिकली इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, टॉप स्लिप, जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी इसे जाना जाता है, और यह अन्नामलई मलई श्रेणी के ऊपर है, इसलिए इसका नाम टॉप स्लिप है, टॉप स्लिप पूर्वा इसे कहते हैं, टॉप स्लिप पूर्वा। और नीलगिरी धौलाधर सतपुरा भी माउंटेन को तो आप जानते ही होंगे,
तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर रहे, टाइम से निकलते जाता है ना, सभी को फिर व्याख्या करने में तो काफी समय लगेगा। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा, जिसे फायर कैट के नाम से भी जानते हैं, वृक्षों पर रहता है, स्तनधारी प्राणी है, भारत में नेचुरली किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेड पांडा, आप अगर एनसीईआरटी अच्छा से पढ़िएगा तो हमारे सारे सवाल का जवाब दीजिएगा, सब परीक्षा पास कीजिएगा, एनसीईआरटी पर पकड़ होनी चाहिए, बार बार बोलते हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, मैगजीन पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे, बट यू शुड गो थ्रू एनसीईआरटी। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा, जिसे फायर कैट के नाम से जानते हैं, वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी प्राणी है, भारत में नेचुरली वो कहां पाया जाता है? और सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय प्रदेश में रेड पांडा। रेड पांडा रैकून जैसा दिखाई देने वाला प्रमुख प्राणी जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा ये नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी मिलता है। रेड पांडा चाइना में भी है, म्यांमार में है, लाओस में है, भूटान में है, नेपाल के भी प्रदेशों में है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेड पांडा पाया जाता है। इसको एलुरस फलंगेस, एलुरस फलंगेस के नाम से जानते हैं। ये इसका बॉटेनिकल जूलॉजिकल नेम है, एलुरस फलंगेस रेड पांडा का। और ये स्तनधारी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है इतना ज्यादा, और परीक्षा में इसका आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं तो, लेकिन आप लोग को आइडिया मिल गया, आप घर में आप इसी प्रकार से पढ़िएगा। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल दोनों में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक नेशनल पार्क है जो तीन अभयारण्य को मिलाकर 1983 में एक कर दिया गया था? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक अभयारण्य जो 1983 में तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया था? इज दैट डांडेली अभयारण्य, राजा जी, साइलेंट वैली और जिम कॉर्बेट? उत्तर आप लोग दे रहे हैं, साइलेंट वैली आया है उत्तर, कुछ लोगों ने लिखा है जिम कॉर्बेट, तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो उत्तर नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा राजा जी। ये सही उत्तर है राजा जी। राजा जी अभ्यारण्य को एक किया गया था, और खुद राजा जी 1948 में बना था, बाद में इसमें मोतीचूर 1964 में और चीला चीला नेशनल पार्क 1977 में जो बना था इसको एक कर दिया गया। और जो सी राजगोपालाचारी जो थे उनके नाम से इसका नाम राजा जी अभयारण्य रखा गया, सी राजगोपालाचारी के नाम से इसका नाम आया राजा जी। तो ये इम्पोर्टेंट था। और दांडेली जो है वो कर्नाटक में है, दांडेली, बांधवगढ़ भी एक है समरिया मध्य प्रदेश में। तो चलिए अगली क्वेश्चंस पर चले जाते हैं। तमिलनाडु में स्थित यारकाड हिल स्टेशन, यारकड हिल स्टेशन किसके किनारे है? यारकड हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर है?
पालनी जाबदी पालकोंडा सेवरोई तमिलनाडु में स्थित। तो एक तो क्लियर यहां पर दिख रहा तमिलनाडु में है, तो इसमें से कौन कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में है ये पकड़ना है। उसके बाद ये हिल स्टेशन का नाम सुना है आप लोगों ने, यारकड पालकोंडा, उत्तर आप लोगों ने लिखा है पालकोंडा। सही उत्तर क्या होगा? पालनी जाप्ती पालकोंडा एंड सेवरोई। यारकड हिल स्टेशन सिचुएटेड ओवर विच माउंटेन रेंज? सही उत्तर होगा सेबरोई की पहाड़ी, सेबरोई। पालकोंडा बेसिकली तमिलनाडु में नहीं है, पालकोंडा तो आंध्र प्रदेश में चला जाता है तो वो तो होगा ही नहीं, बट पालनी जाप्ती और सेबरोई जो ईस्टर्न घाट माउंटेन है उसका नाम पालनी जाप्ती और सेबरोई है, तो सेबरोई की पहाड़ी। आप ये भी नक्शा पर ही आधारित क्वेश्चन है, जब आप मैप देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बैंकॉक किस नदी के किनारे है? ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आ रहे हैं, आप जिसको बना पाइएगा इजीली। बैंकॉक किस नदी के किनारे? इरावडी, मैकोंग, हनोई, चाओ फ्राया। तो अभी आपका जो भी उत्तर होगा, लेकिन बाकी नदी के किनारे भी कोई शहर है कि नहीं भी जरूर से जान लीजिएगा। सही उत्तर होगा चाओ फ्राया। चाओ फ्राया के पास एक और नदी है जिसको मिनाम बोलते हैं। बेसिकली जो बैंकॉक है वहां पर तीन नदी है, चाओ फ्राया, मिनाम और तीसरा है पासक। ये तीन नदी के संगम पर बैंकॉक है। हनोई जो वियतनाम की राजधानी है, और यहां पर होंगा और सोंगडा नदी है, आप जानते होंगे होंगा एंड सोंगडा नदी के किनारे हनोई है। और मेकोंग जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसके किनारे लाओस की राजधानी वियेंटियन और कंबोडिया की राजधानी नॉम पे और साउथ वियतनाम की राजधानी हो चिन मिन सिटी है मेकोंग के किनारे। इरावडी यंगून के किनारे है, इरावडी बर्मा में। तो ये सारी नदियों के लिए इंपोर्टेंट है। कितने डिग्री के अक्षांश को अक्षवत्सांश कहते हैं? ये तो और आसान क्वेश्चन है। कितने डिग्री के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड। कितने डिग्री के अक्षांश को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? विच डिग्री लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड? तीस से पैंतीस डिग्री। ठीक है, सही उत्तर है। तीस से पैंतीस डिग्री के अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। डॉबर स्ट्रेट जो टनल है, सुरंग ब्रिटेन को किस देश से जोड़ती है? डॉबर स्ट्रेट। सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, आप जानते हैं, लेकिन एक कौन सा देश है जो पनामा नहर के टक्कर में एक नया नहर बना रहा है? वो कौन सा कंट्री है इसमें से जो पनामा नहर के टक्कर में एक नया नहर की अवधारणा को लेकर आया? निकारागुआ। सही उत्तर होगा निकारागुआ। तो आज इतना ही बताते हैं, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। आपको तरीका बता दिया।